साहस सरोकार। लखनऊ में संजय निषाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज लंदन में भी दिखता है भारत। लखनऊ के लोहिया संस्थान में शुरू होगा IVF सेंटर, मुख्य सचिव की बैठक में लिया गया फैसला। कई शहरों में आज मनाया गया वन्य जीव दिवस, पेड़ पौधों के प्रति लोगों को जागरूक करने का किया गया प्रयास। सड़क हादसे में कार सवार 6 दोस्तों की मौत, जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे वापस। लखनऊ में कुत्तों के झुंड ने बच्चों को दबोचा, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में मत्स्य मंत्री संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज लंदन में भी भारत दिखता है, साथ ही ब्रिटेन के पीएम भी भारतीय हैं, वही G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये गौरव की बात है। ऐसी जो समस्या उत्पन्न करने वाली जो पार्टियां, उन्हें खत्म कर रहे हैं। हम एक ऐसा प्लेटफार्म दे रहे हैं कि इससे समस्या खत्म हो। आप बुंदेलखंड देखो कि पानी का मोहताज था, हमने घर घर टोटी, घर घर जल, घर घर टोटी का व्यवस्था करा दिया, खत्म हो जाएगा। एजुकेशन के लिए हम लोगों ने एजुकेशन, हम है इंडिया खुद रैंकिंग में आ रहा, हमारे जो है खुद हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटियाँ हैं रैंकिंग में। जब हम एजुकेशन व्यवस्था हम अच्छा दे देंगे तो हमारे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। आज के दिन हम अपने इस देश के लिए सोचें कि हमारे पास पिछली सरकारों ने कितना नुकसान, कितना खराब प्लेटफार्म रखा कि हमें एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता। अब दुनिया के लोग एजुकेशन लेने आएंगे, कभी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, कभी तक्षशिला विक्रमशिला तमाम विश्वविद्यालय थे, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। वही हमारी सरकार चाहती है कि फिर दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आए। रहा रैंकिंग का सवाल, पहले से अब हम तो खुद प्रैक्टिकल है, मैं अभी गया था मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, मैं लंदन में स्कॉटलैंड गया था, तो अभी और भी देशों की यात्रा कर चुके हैं। जो पहले भी यात्रा किया हूँ दूसरे की सरकारों में और अपनी सरकारों में यात्रा किया हूँ, तो उसका जो सुखद अनुभूत है हम ही लोग बता सकते हैं। अब दूसरा रैंकिंग की बात है, उस पर किन कारणों से किन जगहों से हुआ, निश्चित रूप से सरकार चिंता करती है। उस रैंकिंग को हम लोग एक नंबर पर ला रहे हैं, बहुत अर्थव्यवस्था में है, मिलेट्स में देखो एक नंबर पर। देखो प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के और प्रधानमंत्री, यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है उसने एक रिसर्च सेंटर खोला, उसके दो काम हैं कि दुनिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में क्यों सोचते हैं, लेकिन मोदी जी अपने देश के साथ विश्व के लिए भी सोचते हैं, जैसे पर्यावरण के लिए, हेल्थ के लिए, योगा के लिए, आपने देख लिया, खाने के लिए मिलेट्स दिवस मनाते, तो ये अंतर है दोनों में, दुनिया के प्रधानमंत्री और मोदी में। उन्होंने आज के दिन में अर्थव्यवस्था पर लोग अपने देश के लिए बात करते हैं, लेकिन मोदी जी कहते नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था सही होनी चाहिए। ये दोनों में अंतर है। दुनिया के लोग वो किताब बुक, वो यूनिवर्सिटी का हमारा रिपोर्ट नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के आप जब साइट पर चले जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के, आपको डिटेल आ जाएगा। दुनिया में जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसमें से 10% ही लागू हो पाता है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसमें 2-4% ही रह पाता, उसको भी प्रयास करते हैं अधिकतर अपने बोले हुए कामों को पूरा लागू करें। तो इस पर जवाब यही है कि हम लोग बेहतर के तरफ जा रहे हैं और संभावनाओं को तलाश के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा उत्तर प्रदेश में हर सीट पर फोकस कर रही है। पार्टी का विशेष जोर उन 14 सीटों पर है जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को ही अहम बैठक में 14 लोकसभा क्षेत्रों और इसमें जुड़े हर बूथ को लेकर पदाधिकारियों को टास्क सौंपे गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल व प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा विस्तार को सहित लोकसभा प्रवास योजना की प्रदेश टोली के सदस्य शामिल हुए।
लखनऊ में सूचना विभाग द्वारा प्रधान डाकघर डीपीओ में आयोजित त्रिदिवसीय क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी की थीम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रामचंद्र प्रधान शामिल हुए। लोहिया संस्थान शासी निकाय की गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बैठक में आईवीएफ सेंटर शुरू करने को मंजूरी दी गई। वहीं इस बैठक में हॉस्टल के विस्तार की योजना पर भी मुहर लगी। बैठक में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग को केवल एक से केवल दो में उच्चकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब यहाँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ की सुविधा शुरू की जा सकेगी। चंदौली में जल निगम विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां एक दर्जन गांवों में पेयजल सप्लाई दो दिनों से ठप है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताने की जानकारी मिलने के बाद जल निगम ने शाम तक पेयजल सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। धानापुर क्षेत्र के शहीद गाँव का है पूरा मामला। पिछले दो दिनों से पानी की सप्लाई बाधित है और दो दिन से पानी नहीं आ रहे हैं और आज भी पानी नहीं आया है। दो मार्च हो गया लेकिन पानी सप्लाई नहीं हुई आज तक। आवाजापुर जल निगम से पानी कितने दिनों से बाधित है? चार दिन से बाधित है। आज 2 मार्च होने वाला है, शाम को 4 बज रहे हैं, अभी तक पानी नहीं आया है। आम जनता इसमें परेशान है, दर दर घूमना पड़ रहा है, हैंडपम्प का सहारा से लोग जी रहे हैं। जनपद अंबेडकर नगर में होली और शब ए बारात को लेकर डीएम अविनाश सिंह द्वारा पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर निर्देश दिए गए। बता दें कि बैठक में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना अपना त्योहार मनाए। 7 तारीख को शब ए बारात और होलिका दहन का प्रोग्राम है, 8 तारीख को होली खेली जाएगी और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे लगातार हम लोग इस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। जो क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, संक्रांत नागरिक हैं, उनसे हम लोग वार्ता करके उस क्षेत्र में किस प्रकार से इस त्यौहार को, जो 3 हमारे त्यौहार पड़ रहे हैं, होलिका दहन, शब ए बारात और होली, का कुशलतापूर्वक निर्विघ्न रूप से इसको सम्पन्न कराया जाए। एक सांप्रदायिक स्वभाव और सामाजिक समरसता का जो वातावरण बना हुआ है वो बना रहे, तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक किया। जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर छोटी काशी तीर्थ नगरी से प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा स्नान के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। बता दें कि वहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा है, क्योंकि गंगा नदी दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। गंगा स्वच्छता अभियान में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, जिसके बावजूद वहां का हाल बुरा है। इससे श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा है। बता दें गंगा नदी के किनारे नगर पालिका द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सहारनपुर में बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा। दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने युवकों को गोली मार दी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले युवक की बहन के यहां रहे किराएदारों से झड़प हो गई थी। ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। सूचना पुलिस को मिली, जिस पर कि मौके पर पुलिस पहुंची है। यहां पर एक युवक को गोली लगी है पेट में और 2 अज्ञात लोग आए थे जिन्होंने गोली मारी है, वो जिनकी अभी तलाश करवाई जा रही है। जो वाहन है उसकी भी तलाश के लिए बताया गया है और जगह जगह नाकाबंदी की गई है जनपद में। अभी परिजन यहाँ पर मौजूद नहीं मिले हैं, जो मजरूब है उसके साथ में है, परिजनों से संपर्क कर। खबर औरैया जिले के थाना बेला से है, जहां थाना क्षेत्र के भदौरा मार्ग के समीप एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के से झूलता हुआ मिला। जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष सुधीर भारद्वाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही जिले की पुलिस अधीक्षक चारू निगम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई।
बेला क्षेत्र अंतर्गत ये ग्राम बढ़ोरा में सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। आके पुलिस ने पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, तो ये सहायक शिक्षक हैं प्रमोद कुमार, जो मूलतः तो बिदुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु ये जो है उत्तर माध्यमिक विद्यालय तेरवा क्षेत्र में पढ़ता है, वहाँ पे ये सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। वहाँ से ये बताया जा रहा है 3 दिन से जो है घर नहीं लौटे थे, तो कल 2 मार्च 2023 को थाना तेरवा में इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। और बुलंदशहर में मामूली झगड़े के बाद आदमी ने अपना ही घर आग के हवाले कर दिया। पति का पत्नी और बच्चों से विवाद होने के बाद पति ने अपना ही घर जला डाला। आग से घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र स्थित इस्लामाबाद गाँव का पूरा मामला है। क्या नाम है? अकरम। घर में आग क्यों लगाई आपने? भाई जान भी बच्चों की वजह से, लड़के ने यार बहुत हाथापाई करी है मेरे साथ, मार पिटाई करी, और आज ही मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हो जी, तो आज आते घर में आग लगा दी तुमने? अब बताओ मैं क्या करता, देखो मेरी हालत, आते ही हाथापाई, मतलब आना पसंद नहीं है घर में, क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है भाई जान? अब बताओ मैं क्या कह सकता हूँ, देखो घर घर की, मतलब किसी की मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने घर की जानता हूँ कि मेरे घर में। तुमने बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को क्यों मारा था पहले? बाप होता किसी को नहीं मारा, मेरा बड़ा बेटा और मेरी औरत खुद छुपती है। तो तुमने उन दोनों के हाथ तोड़ दिए? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, बाप होता कैसी भी कसम ले लो आप मुझसे, वहीं चला गया, बड़ी मुश्किल चला है खींच कर। क्या नाम है तुम्हारे आदमी का? अकरम नाम है। तुम्हारे आदमी ने आग लगाई घर में? हम सबको मारा, हम बच के भाग गए, सामने वाले घर में दुपक गए, उनने कुंडी लगा ली, इनने बिछाई, ने बच्चे दुपका लिए मेरे, उठा वीडियो बना रही है करके इन्होंने ताला मार दिया। नाम क्या तुम्हारे आदमी का? अकरम। अकरम, गुरुग्राम से जन्मदिन मनाकर लौट रहे कार सवार 6 दोस्तों का दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर दूसरी तरफ जा रहे ट्राले से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार सभी दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट में लगातार कुत्तों के आतंक का मामला बढ़ता जा रहा है। एक बच्चे को कुत्तों के झुंड ने अपना शिकार बनाया है। बता दें कि बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी सूचना अपार्टमेंट के रहने वाले विवेक शर्मा ने ट्विटर के माध्यम से पशु कल्याण अधिकारी को दी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ अपार्टमेंट पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल एहतियात के तौर पर ट्रैप करके टीमें आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करेगी। बेटे को शाम के समय टहल रहा था, यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा था, 3 कुत्तों ने अचानक उसको आके अटैक कर दिया और उसके पैर पे 3-4 जगह काटा है। एक घाव तो इतना गहरा है कि पूरा 1 महीना लग जाएगा ठीक होने के लिए। और कुछ नहीं, कुछ नहीं किया था ऐसा, खाली बच्चे खेल रहे थे और पीछे रह गया, वो उसी पे अटैक कर दिया। कितनी बार घटना हो चुकी है यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 बार घटना हो चुकी है, ये 5वीं की छोटी घटना है लगभग। तो आप लोगों ने किसी अधिकारियों को सूचना दी? सबको सूचना दी जाती है, कुत्ते की गाड़ी आती है, पकड़ के ले आते हैं, स्टे करके फिर छोड़ देते हैं। कितनी संख्या में होंगे यहाँ पे कुत्ते लगभग? यहाँ कम से कम 4-5 नहीं, 10 के करीब हैं, लेकिन जो ज़्यादा अग्रेसिव हैं 4-5 कुत्ते बहुत अग्रेसिव हैं। देखिए लगातार जो इंसिडेंसेस हो रहे थे उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए आज मैं और हमारी पूरी टीम HSI के प्रोजेक्ट हेड कोऑर्डिनेटर सभी लोग लगभग 15-20 लोग आए हुए हैं अपनी टीम के साथ डॉग्स को देखने के लिए, क्यों उनका बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो रहा है और ऐसे क्या कंडीशन सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं कि जिनकी वजह से डॉग यहाँ पर आक्रामक हो रहे हैं और डार्क वाइट केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। लगातार सर यहाँ पे दर्जनों केस हो चुके हैं कुत्तों के काटने का, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर हो रही है तो 2-4 इक्का दुक्का पकड़े जा रहे हैं, क्या इस पर प्रभावी कार्रवाई क्या होगी? देखिए कार्रवाई लगातार निरंतर जब भी कोई केसेस होता है उसके पहले से भी लगातार हमारे यहाँ तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सृष्टि डिपार्टमेंट में देख रहे हैं जैसे बेसमेंट काफी बड़ा है और वहाँ पर गाड़ी भी। लखनऊ में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने शहर में अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में अभियान चलाया। सुल्तानपुर रोड चौराहे के प्राधिकरण की अर्जित भूमि से अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटवाया गया, जिस पर कई सालों से कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके स्थायी और अस्थायी निर्माण करा लिए।
लखनऊ में मदर ट्रेसा हायर सेकेंडरी स्कूल किदवई नगर और कानपुर के छात्र छात्राओं का एक 21 सदस्यीय दल ने पूरे विधानसभा परिसर का भ्रमण किया, साथ ही सदन की कार्यवाही भी देखा और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से जानकारी लेने के लिए कई सवाल किए। सतीश महाना ने विधानसभा की कार्यवाही और इससे जुड़ी कई तकनीकी जानकारियों से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे सहित सहयोग हेतु अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। रंगों के त्योहार पर मेहमानबाजी के लिए दूध, खोवे व पनीर से बने व्यंजनों को परोसने जा रहे तो होशियार हो जाइए, क्योंकि मार्केट में बिक रहा खोवा, पनीर, दूध आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। फिरोजाबाद के थाना फहिया क्षेत्र में दूध में मिलावट कर दूध बेचने वाले अपराधियों पर प्रशासन के द्वारा की कुर्की की कार्रवाई की गई। वहीं दूध की मिलावट खोरी के अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया गया। औरैया जिले में आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखाई पड़ रहा है। आगामी होली का त्योहार एवं शबे बारात को लेकर पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर शहर कोतवाल रवि कुमार श्रीवास्तव व चौकी प्रभारी व हमराही द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया गया। साथ ही शहर कोतवाल द्वारा लोगों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। वहीं रोड पर अवैध अतिक्रमण किए लोगों का सम्मान हटवाया गया। वहीं शहर कोतवाल द्वारा लोगों को हिदायत दी गई कि आगे से रोड पर अतिक्रमण ना करें। औरैया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फ्री राशन दिया जा रहा है, उसमें जो चावल दिए जा रहे हैं वह दरअसल प्लास्टिक के चावल हैं। वहीं इस मामले का वीडियो ग्रामीणों ने खुद ही बनाकर वायरल भी किया है। मामला जिला स्तर तक पहुंचा तो जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिलाधिकारी ने एक टीम गठित की और उस टीम ने जांच में बताया कि चावल प्लास्टिक के नहीं बल्कि फोर्टिफाइड चावल को मिलाया गया है। दूसरी तरफ जिला अधिकारी जांच से संतुष्ट नहीं है और चावल के नमूने को जांच के लिए भेजा है और कहा है कि अगर कोई भी मिलावट मिलती है तो सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, आज एक समाचार पत्र में ये निकला था और कुछ लोगों ने शिकायत भी मेरे पे मैसेज किया था कि जो हमारा कोटे वाला चावल होता है उसमें प्लास्टिक के एक आध दाने प्लास्टिक के चावल जैसे पाए गए। मैंने एक टीम बना करके आज भेजा था जिसमें DSO, डिप्टी RMO और हमारे जो ये खाद्य सुरक्षा वाले अधिकारी होते हैं, ये गए और इन्होंने उसको देखा और इनका ये कहना है कि 45 राइस एक होता है जो उसको पहले पीस के बनाया जाता है और 1% उसको डाला जाता है इसमें, तो वो प्रथम दृष्टिया तो यही है। तथापि हमने नमूना भर लिया है उसका और हम भेज रहे हैं उसके जांच के लिए। अगर उसमें जांच में कोई भी इस तरह की मिलावट पाई जाएगी तो जहां सप्लाई हुई है जहां से वहां भी और यहां के भी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो 45 राशन चावल वितरित किया जा रहा है। 45 चावल में सरकार की मंशा ये है कि बेसिकली जो चावल के साथ फोलिक एसिड और आयरन को मिला करके फिर तैयार कराया गया है और वो व्यापक स्तर पर मिलों से वही डिपो में जा रहा है और डिपो से फिर कार्डधारकों को दिया जाएगा। तो वो देखने में तो प्लास्टिक जैसा लगेगा बट वो प्लास्टिक नहीं है, खाने में शुद्ध अच्छा होगा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। बीमारी एक ऐसी चीज है जो इंसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। ताजा मामला अमेठी का है, जहां पेट दर्द की बीमारी से परेशान महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने गोमती नदी की रेलिंग से कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन नदी में मछली पकड़ रहे लोगों ने नदी में कूद कर महिला की जान बचाई। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के सतहीन चौकी क्षेत्र के गोमती नदी का मामला है।
औरैया जिले में साल 2008 में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्याकांड में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके तीन साथियों को गैंगस्टर एक्ट में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 8,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। औरैया के एमपी एमएलए कोर्ट के जज संजय सिंह ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने इंजीनियर हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी को तीन अन्य साथियों के साथ गैंगस्टर के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। संबल में भीम आर्मी और आपसपा संयुक्त टीम से मोहम्मद उस्मान सैफी जॉन प्रभारी आसपा की मौजूदगी में प्रमोद आजाद जिला अध्यक्ष सपा और सुधीर कुमार सागर जिला संयोजक भीम आर्मी के नेतृत्व में जिला अधिकारी संबल को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटनिका पहाड़ी गांव में 16 फरवरी को अपहरण करके कथित गोरक्षकों नासिक और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उन्हीं की गाड़ी से हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना में अभी तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ना ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा और राहत दिया है। इस अवसर पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।